हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स रेडियोग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट लेटरल व्यू एक्सरे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चेस्ट का लेटरल व्यू एक्सरे क्यों किया जाता है इसकी पेशेंट पोजीशन और इसके टेक्निकल फैक्टर क्या होते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आइए जानते हैं चेस्ट लेटरल व्यू एक्सरे के बारे में चेस्ट लेटर व्यू एक्सरे फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में चेस्ट एपी और चेस्ट पीए के बारे में बात की थी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और आज सबसे पहले जानेंगे कि चेस्ट का लेटर व्यू एक्सरे क्यों किया जाता है फर्स्ट है सस्पेक्टेड फ्रैक्चर मतलब थोरेसिक केज में कोई सस्पेक्टेड फ्रैक्चर होने पर सेकेंड है डेमोस्ट्रेट प्लूरल इफ्यूजनस मतलब लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन के लेवल को देखने के लिए थर्ड नंबर है चेस्ट इन्फेक्शन को देखने के लिए फोर्थ नंबर है चेस्ट में ट्यूमर्स को देखने के लिए फाइव नंबर है डिफॉर्मिटी मतलब थोड़ी केज में कोई विकृति होने पर लास्ट है लोकलाइज द फॉरेन बॉडी मतलब फॉरेन बॉडी की लोकेशन को देखने के लिए चेस्ट का लेटरल एक्सरे किया जाता है अब एनाटॉमी के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स अपन ने थोरेसिक केज का एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप एनाटोमी के बारे में जान सकते हैं अब एक्सरे प्रोजेक्शन की बात करते हैं चेस्ट के रूटीन में अपन चेस्ट के दो लेटरल व्यू करते हैं फर्स्ट है चेस्ट राइट लेटर व्यू सेकेंड है चेस्ट लेफ्ट लेटरल व्यू अब पेशेंट पोजिशन के बारे में जानते हैं द पेशेंट स्टैंडिंग अपराइट पोजिशन मतलब सबसे पहले पेशेंट को स्टैंडिंग अपराइट पोजिशन में सीधा खड़ा किया जाता है राइट साइड इन टच विथ इमेज रिसेप्टर मतलब अगर चेस्ट राइट लेटरल व्यू करना है तो पेशेंट को राइट right साइड का चेस्ट इमेज रिसेप्टर के टच करना चाहिए लेफ्ट साइड इन टच विथ इमेज रिसेप्टर और अगर चेस्ट का लेफ्ट लेटरल व्यू करना है तो पेशेंट का लेफ्ट साइड चेस्ट इमेज रिसेप्टर के टच करना होता है मतलब चेस्ट के अफेक्टेड पार्ट को इमेज रिसेप्टर के टच किया जाता है पेशेंट के चेस्ट में जिस साइड प्रॉब्लम होती है उसी पार्ट को इमेज रिसेप्टर के टच में किया जाता है द स्टेरनम इज एट सेंटर ऑफ द इमेज रिसेप्टर मतलब जो स्टेरनम बोन bon होती है वह है इमेज रिसेप्टर के सेंटर में होनी चाहिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो पेशेंट होता है वह स्टैंडिंग अपराइट पोजिशन में खड़ा है और पेशेंट का राइट right या लेफ्ट साइड चेस्ट इमेज रिसेप्टर के टच में होता है इमेज फील्ड मतलब पेशेंट के चिन को इमेज फील्ड से बाहर रखने के लिए चिन को थोड़ा सा राइज मतलब चिन को ऊपर की ओर हटाया जाता है द मीडियन सेजाइटल प्लेन शुड पैरल टू द इमेज रिसेप्टर मतलब पेशेंट का मिड साइजल प्लेन इमेज रिसेप्टर के पैरल मतलब इमेज रिसेप्टर के समांतर होना चाहिए द बोथ हैंड्स आर राइज अवर द हेड एंड लॉक्ड मतलब पेशेंट के दोनों हैंड्स को हेड मतलब सिर के ऊपर उठाकर लॉक कर दिया जाता है द पेशेंट इज सपोर्टेड टू मेक्स हिम इन मतलब पेशेंट इमोबालाइज मतलब पेशेंट की बॉडी मूवमेंट नहीं करे इसके लिए पेशेंट को थोड़ा सा सपोर्ट भी दिया जा सकता है द अपर बॉर्डर ऑफ इमेज रिसेप्टर शुड बी टू इंच अब द लेवल ऑफ द शोल्डर मतलब इमेज रिसेप्ट का अपर बॉर्डर शोल्डर जॉइंट के लेवल से टू इंच ऊपर होना चाहिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो पेशेंट के दोनों हैंड्स होते हैं वह सिर के ऊपर लॉक होते हैं और जो पेशेंट का चिन्ह होता है वह थोड़ा सा ऊपर की ओर होटा हुआ होता है और पेशेंट का सेजाइटल प्लान इमेज रिसेप्टर के पैरल मतलब समांतर होता है पेशेंट शुड बी होल्ड ब्रेथ इन इंस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर के दौरान पेशेंट को सांस रोककर रखना चाहिए अब सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं द एक्सरे विल बी सेंट्रेड ऑन द मिड लाइन ऑफ चेस्ट एट द लेवल ऑफ टी सेवन मतलब चेस्ट लेटरल व्यू में एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट चेस्ट के मिड लाइन पर टी सेवन मतलब थोरेसिक सेवन के लेवल पर सेंटर दिया जाता है नेक्स्ट है कॉलिमेशन टू चेस्ट साइज मतलब यह चेस्ट की साइज का होना चाहिए और कॉलिमेशन में लंग्स कोस्टोफेनिक एंगल्स हार्ट रिब कैच क्लेविकल और स्टेरनम इंक्लूड होने चाहिए नेक्स्ट है इमेज रिसेप्टर साइज इसमें ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन इंच और फोर्टीन इंटू सेवनटीन इंच का इमेज रिसेप्टर यूज किया जाता है नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ आई आर यह पोर्ट्रेट होना चाहिए और इसमें सिंगल प्रोजेक्शन ही लिया जाता है नेक्स्ट है गोनाडल शील्डिंग प्लस लेड शिल्ड्स और पेशेंट टू शील्ड्स गोनाड्स मतलब पेशेंट के गोनाड्स को स्केट रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट के गोनार्ड्स पर लेड शील्ड्स लगाना चाहिए और यह शील्स पेल्विक एरिया पर लगाया जाता है नेक्स्ट है मार्कर कैसेट पर राइट या लेफ्ट मार्कर लगाना चाहिए नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर चेस्ट लेटरल व्यू में सेवेंटी से सेवेंटी फाइव और सिक्सटीन से ट्वेंटी एम का यूज किया जाता है और यह एक्सपोजर फैक्टर पेशेंट की थिकनेस पर भी डिपेंड करते हैं नेक्स्ट है एफ यह 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए नेक्स्ट है ग्रिड चेस्ट व्यू में ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह जो इमेज है यह हमें चेस्ट लेटरल व्यू में प्राप्त होती है नोट पेशेंट शुड रिमूव एनी ज्वेलरी एंड क्लोथिंग ओवर द चेस्ट टू अवॉइड आर्टिफैक्ट। मतलब आर्टिफैक्ट से बचने के लिए किसी भी ज्वेलरी और कपड़ों को चेस्ट के ऊपर से रिमूव कर देना चाहिए तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में चेस्ट राइट एंटेरियर ओब्लिक और चेस्ट लेफ्ट एंटेरियर ओब्लिक के बारे में बात करेंगे और फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा